आज मेरे स्टूडियो में राजद जिला युवा महासचिव वीरेंद्र यादव जी आए हुए हैं। तो वीरेंद्र जी, मेरे स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका जी। आप कितने सालों से पॉलिटिकल में हैं? मैं 5 साल से पॉलिटिकल में हूं जी, और बहुत सक्रिय ढंग से राजनीति कर रहे हैं जी। राष्ट्रीय जनता दल के कदम से कदम मिलाकर काम कर रहे हैं जी। राजद में आप कौन सा पोस्ट पे हैं अभी? हम अभी जिला महासचिव में हैं, बांका से युवा राष्ट्रीय जनता दल जी। आप जैसे 5 साल से मतलब पॉलिटिकल ज्वाइन कर चुके हैं, 5 साल से आप इसमें कार्यरत हैं, सपोज दैट अगर आपको जनता चुन लेती है एमएलए एमपी वगैरह वगैरह में, तो आप युवा के महासचिव हैं, युवा के बारे में आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, पहले हमारा प्राथमिकता है कि 2020 में आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का हम सभी युवाओं का संकल्प है जी। और जिस तरीके से आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी संघर्ष कर रहे हैं जनताओं के बीच में जा जाकर, जनताओं को जिस तरह से रुझान है जनता का, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनती है तो निश्चित रूप से युवाओं के को रोजगार मिलेगा, युवाओं के हक और अधिकार मिलेगा, शिक्षा स्वास्थ्य जो भी समस्या है सारा चीज़ में बदलाव आएगा। जैसे आप बोले रोजगार के बारे में, तो बेरोजगारी पे आप कुछ हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या स्थिति है अभी हमारे देश की, हमारे बिहार की, हमारे बांकावासियों की। जिस तरह से आप देख रहे हैं अभी बेरोजगारी चरम सीमा पे है, इसका हम जितना भी निंदा करें तो कम पड़ेगा। आज युवा पढ़ लिख के डिग्री ले लेके दर दर रोड पर अपना अधिकार और हक के लिए लड़ना पड़ रहा है। शिक्षा की बात इतना चरम सीमा पे है, परीक्षा होने से पहले पेपर लीक हो जाता है। अपना अधिकार का जब बात, अब युवा अपने अधिकार की बात करते हैं तो उस पर लाठियां बरसाया जाता है, डंटा बरसाया जाता है, आंसू गैस छोड़ा जाता है। सरकार को जरा सा भी युवाओं के प्रति कोई चिंता नहीं है। आज जो बजट लाया है 3 घंटा का बहस हुआ, लेकिन जरा सा भी कुछ रोजगार के नाम पर एक जरा सा कहीं कुछ नहीं है। और रही बात रोजगार की, आज नरेंद्र मोदी पहले भी बोलते थे कि हम हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। 2 करोड़ की बात छोड़िए, 200 युवाओं को भी रोजगार नहीं दिए, और जो भी रोजगार है उसको छीनने का काम किए हैं। आज रेलवे निजीकरण में ले आया, रेलवे को निजीकरण से लेके जो भी रेलवे में रोजगार कर रहे थे उसको, या जो केंद्र में सरकार जो 5 साल का जो जनता ने मैंडेट दिया फिर पुनः दिया, फुल बहुमत की सरकार, जनता को झांसा दे देकर, चाहे युवाओं को, आप नरेंद्र मोदी खुद बोलते हैं कि पकौड़ा बेचना भी रोजगार है। आप बताइए कि पढ़ लिख के युवा हर साल 15 करोड़ युवा, यदि 2 करोड़ युवा पकौड़ा बेचेगा तो 5 साल में 10 करोड़, तो उसका पकौड़ा खाएगा कौन? यही रोजगार है। चलिए दूसरी बात, जैसे कि हमारे बिहार में डबल इंजन का सरकार कहने के लिए, सुनने के लिए मिलता है, तो इस पर आपको क्या कहना है? डबल इंजन की सरकार, तो एक इंजन भ्रष्टाचार में है, दूसरा इंजन अपराध में है। आज हमारे माँ बहनें भी सुरक्षित नहीं है, जहाँ भी जाइए, स्कूल कॉलेज पढ़ने जाइए तो बलात्कार हो जा रहा है, रेप हो रहा है, हत्या लूट बलात्कार चरम सीमा पे, उसका अपराधी का बेलगाम है। और सरकार गहरी नींद में अपना कुर्सी बचाने के लिए इधर से उधर, कभी सीट बंटवारे में तो कभी अपना क्या कहते हैं, कुछ भी बोले तो सरकार अपने गहरी नींद में सोया हुआ। सिर्फ नीतीश कुमार को सिर्फ कुर्सी से मतलब है, बिहार की जनता से कोई मतलब नहीं है जी। जैसे कि अभी पूरे देश में CAA को और NRC को लेकर के बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, यह जो काला कानून है इसका हम लोग पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। एक सेकेंड, आप काला कानून कैसे इसको बता रहे हैं, थोड़ा सा आप स्पष्ट करें। मेरा कहने का मतलब है कि देखिए, अभी देश में जो है, अभी सरकार को रोजगार देने की ज़रूरत है जी, स्वास्थ्य सही करने की ज़रूरत है, शिक्षा पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आने वाला जो मेरा कल का पीढ़ी है, वो शिक्षा नहीं रहेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा।
इसलिए सरकार यह जो काला कानून लाया है और अपना अधिकार के लिए लोगों को रोड पर आना पड़ रहा है, अपना अधिकार के लिए, जिन्होंने जनता को वोट देकर जनता को 5 साल का मैग्नेट दिया, फिर पुनः बहुमत साबित करने के लिए, इसीलिए जनता ने चुना था उनको कि सीए और एनआरसी ला के अपना अधिकार के लिए अपना दस्तावेज दिखाने का। मैं भाजपा और आरएसएस के लोगों को बताना चाहता हूं कि पहले आप जनता के बीच में अपना सर्टिफिकेट दिखाइए, आप कहाँ के नागरिक हैं। जनता तो बाद में दिखाएगी, पहले आप दिखाइए। यह काला कानून लाला के देश में हमारे जिस तरीके से माँ बहनों को रोड पर अपना अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है, यह संघर्ष पूरी तरीके से जारी रहेगा। राष्ट्रीय जनता दल शुरू से ही इसका विरोध करते आ रहा है और जब तक ये काला कानून वापस नहीं लेता सीए और एनआरसी और एनपीआर, यह संघर्ष चलते रहेगा और हम लोग इसका पुरजोर तरीके से सड़क से सदन तक विरोध करते रहेंगे। जैसे कि दिल्ली में शाहीन बाग से मतलब जैसे जानकारी आ रही है और बराबर वहाँ पे प्रोटेस्ट जारी है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? दिल्ली में जो कर रहा है शाहीन बाग में, सरकार को सोचना चाहिए कि लगातार आज 60 दिन हो गया है, किस तरीके से लोग अपना अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं और सरकार गहरी नींद में सोए हुए हैं, अपना कुर्सी में चुनाव प्रचार के लिए इधर से उधर कर रहे हैं। सरकार अपराधियों को खुलेआम बेलगाम कर दिया गया है। केंद्र का मंत्री बोलता है गोली गोली मारो सालों को देश के गद्दारों को। बताइए जो केंद्र में बैठे हुए सरकार इस तरह संरक्षण देंगे तो बताइए क्या होगा देश की स्थिति। तो इसमें तो हमें लगता है जहाँ तक कि कहीं कोई गलत बात नहीं है, इसलिए कि गद्दारों की बात कही जा रही है, ना कि किसी मतलब ऐसे जनरल व्यक्ति के लिए। देश में गद्दार आए कहाँ से? कहाँ से आया बताइए। इस देश का जो नागरिक है, हक एक एक चाहे कोई भी माताएं बहनें युवा आदि जो भी हैं, सबके रंग रंग में देश का खून भरा हुआ है, देश के लिए अपना लोग कुर्बानी दे रहा है, लेकिन सरकार उसका कोई चिंता नहीं है जी। अच्छा वीरेंद्र जी, आपसे बहुत ज़्यादा बात हो गई, अब थोड़ा सा हम ये चाहेंगे कि हमारे एमएम न्यूज़ के माध्यम से आप बांका के या पूरे बिहार वासियों, बिहार के पूरे युवाओं को कुछ ऐसा संदेश दें जिससे कि वो लाभान्वित हो। हम तमाम युवा साथी और बांका युवा राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से मैं सभी युवा साथियों से एक ही अपील करेंगे कि जिस तरीके से देश में नफरत और घिनौनी राजनीति कर रहे हैं, इससे बचने के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने आगे भविष्य के लिए आप लोग संघर्ष करिए और नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाइए, तभी हम लोगों का सपना साकार हो सकता है, तभी बिहार का विकास होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। चलिए वीरेंद्र जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।